हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनेंशियल लिटरेसी में। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कैंपस स्पोर्ट्स शू जो मैंने एंजल ब्रोकिंग के रेफर एंड अर्न के प्रोग्राम के थ्रू 500 रुपये का वाउचर अर्न किया था, उसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, शुरू से। तो देखिए, मैंने ये वीडियो डाला था अभी 2-3 दिन पहले और मैंने 500 रुपये का एंजल ब्रोकिंग का रेफर एंड अर्न से जो अर्न किया था उससे मैंने कुछ ऑर्डर किया था। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ कि मैंने क्या बोला था और इस क्या ब्रोकिंग का 500 से रिडीम करें। तो वीडियो को शुरू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको वाउचर कोड कॉपी कर लेना, रिडीम नाउ के बटन पे क्लिक करिए। रिडीम नाउ के बटन क्लिक करने पर आपको यहाँ पे डिजिटल कार्ड डिफरेंट कंपनीज के मिल जाएंगे, जैसे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट। कोड वहाँ पे क्लिक किया, उसमें मैंने फिर से आप प्रोसेस बताई थी दोस्तों। और यहाँ से प्लेस हो गया है, ऑर्डर आई डी यहाँ पर है और एक में गिफ्ट कार्ड और प्रोडक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ आ रहा है। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो इसके बाद आप जो भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं, जैसे मैं एक शूज खरीद रहा हूँ 719 रुपये का है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर 500 का गिफ्ट कार्ड ऐड करूँगा, बाकी पेमेंट मैं अपने इससे कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर चुका हूँ बैंक UPI, बाकी आपको बैंक से बाकी 219 रुपये मुझे देना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, तो यहाँ से अब मैं गूगल पे से बाकी पेमेंट कर दूँगा। इस तरीके से दोस्तों मैंने ऑर्डर कर लिया था, अब मैं दिखा देता हूँ कि वो प्रोडक्ट मेरे पास आ चुका है। तो 3 दिन बाद मुझे प्रोडक्ट मिल चुका है। ये इस तरीके का बॉक्स आपको मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे ऊपर बिल रहेगा QR कोड के साथ। तो इसे ओपन कर लेते हैं दोस्तों, ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा हार्ड है, मैं इसको खोल लेता हूँ। इतना आसान नहीं है दोस्तों इसको खोलना, थोड़ा सा मुश्किल है, इतनी इजीली नहीं खोल सकता है। कुछ मुझे एक कैंची या चाकू लगेगा, मैं चाकू लेके आ जाता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और मैं इसको चाकू से खोल लेता हूँ, अब देखते हैं दोस्तों, इसको ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से बॉक्स मिलेगा आपको, बॉक्स पूरा पैक मिलेगा, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ इसको। और दोस्तों ये देखिए, कैंपस का शूज़, इस पर लिखा है अब वक्त इंडिया का है, मेड इन इंडिया। ये नहीं पता था मुझे दोस्तों ये मेड इन इंडिया है। 7 नंबर का शूज़ है दोस्तों, आप इसे ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से बॉक्स मिलेगा आपको, बॉक्स खोलना है, पेपर ऊपर दिख रहा है मुझे, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओ दोस्तों, क्या बहुत ही अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से मैं उम्मीद कर रहा हूँ उससे भी अच्छा दिख रहा है शूज़। बहुत ही प्यारा लुक लग रहा है दोस्तों, ग्रे कलर का शूज़ है, अंदर से ये कौन सा कलर बोलते हैं इसको, आसमानी या कुछ, और अंदर जो सोल दिख रहा है, दोनों शूज़ काफ़ी प्यारे लग रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे डिफरेंट चार्ट होता है दोस्तों, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, और यहाँ पे कुछ लिखा भी है फिट करके, इलास्टिक पीछे भी काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है दोस्तों, फ्रंट से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ग्रे कलर शाइनिंग में। और बॉटम में देखिए दोस्तों, इस तरीके से ग्रिप रहेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको अंदर कागज़ वगैरह कुछ मिलेंगे ताकि शूज़, अब देख सकते हैं दोस्तों दोनों शूज़ इस तरीके से दिख रहे हैं। अब मैं इसको एक बार पहन के देख लेता हूँ दोस्तों। मैंने पहन लिया इसे और पहनने पर भी काफ़ी अच्छा लुक दिख रहा है, कम्फर्ट है दोस्तों, अंदर से एक कुशन है, ग्रिप भी अच्छी है, पहनने में मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, काफ़ी अच्छा शूज़ लग रहा है, स्प्रिंग फिट लग रहा है, स्प्रिंग फिट लिखा है साइड में। तो अब इसको हम थोड़ा सा क्लोज से भी देख लेते हैं, मुझे पहनने में आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको पैर से मोड़ रहा हूँ तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ईजी शूज़ है, लाइट वेट है दोस्तों। और इसके नीचे से ग्रिप देख सकते हैं आप, नीचे से वाइट बॉटम है इसका। अब थोड़ा सा मैं आपको एक दिखा देता हूँ किस तरीके से दिख रहा है, शाइनिंग है दोस्तों, ग्रे कलर में, ग्रे कलर में मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है, ब्लू कलर भी मिल रहा था और एक ब्लैक कलर, आप डिफरेंट कलर भी चूज़ कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों इसकी लेस के पास में क्या लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लोज व्यू दिखाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, लाइट में कर लेता हूँ, कैंपस लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों। तो इस तरीके का शूज़ रहेगा दोस्तों, मैंने जो एंजल ब्रोकिंग के रेफर एंड अर्न से कमाया था। आप भी अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो प्लीज़ खुलवा लीजिए, और अगर तक अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।